गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 9, दैट इज़ द ऑब्जर्वेंट ज्वेलर। तो अब हम पढ़ेंगे एक स्टोरी। नॉर्मली व्हेन अ रॉबरी टेक्स प्लेस, जब भी कहीं पे चोरी वगैरह होती है, द पुलिस एंड डिटेक्टिव्स आर कॉल्ड। तो हम किसको बुलाते हैं? पुलिस या फिर डिटेक्टिव्स को हम बुलाते हैं। बट समटाइम्स अलर्टनेस एंड शार्पनेस ऑफ द माइंड, पर कभी कभी ऐसा होता है कि जो माइंड में जो हम लोग बिल्कुल अलर्ट एक्टिव रहते हैं, शार्पनेस जो है माइंड की एंड द पावर टू ऑब्जर्व, और जो हम किसी चीज़ को नोटिस करते हैं जिस पावर से कैन सॉल्व रॉबरी केसेस विदाउट द पुलिस, तो ऐसे केसेस हम बिना पुलिस के भी सॉल्व कर सकते हैं। रीड द स्टोरी अबाउट अ पर्सन। तो अब हम पढ़ेंगे एक स्टोरी अबाउट अ पर्सन वर्किंग एट अ ज्वेलरी स्टोर, जो एक ज्वेलरी स्टोर पे काम करता है। वो सक्सीड इन प्रिवेंटिंग अ रॉबरी, और वो चोरी होने से बचा लेता है बिकॉज ऑफ बींग ऑब्जर्वेंट। एक ऑब्जर्वेंट होने के कारण वो चोरी होने से बचा लेता है। माई नेम इज़ पार्थ सिंह गुप्ता। तो ये जो स्टोरी बता रहा है, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। उसका नाम क्या है? पार्था सेन गुप्ता। आई एम एन ऑब्जर्वेंट मैन। मैं मतलब जो ऐसा मैन जो चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा ऑब्जर्व करता है। आई लुक एट पीपल, मैं लोगों को देखता हूँ। नोटिस थिंग्स, उनको नोटिस करता हूँ। अबाउट देम, उनके बारे में। एंड वंडर हु दे आर, और मैं फिर पता करता हूँ कि वो कौन है। आई वॉच वॉट दे आर डूइंग, मैं देखता हूँ कि वो क्या कर रहे हैं। एंड वंडर वाई दे आर डूइंग इट, और पहले मैं देखता हूँ कि वो क्या कर रहे हैं, फिर मैं देखता हूँ वो चीज़ क्यों कर रहे हैं। आई वर्क एट गंगाराम ज्वेलर्स, मैं गंगाराम ज्वेलर्स पे काम करता हूँ। दे सेल एंटीक ज्वेलरी, वो बहुत ही सुंदर सुंदर यूनिक ज्वेलरी बेचते हैं। द शॉप इज़ क्वाइट स्मॉल, जो दुकान है वो छोटी सी है। इट हैज़ अ लॉन्ग काउंटर, उसका काउंटर बहुत बड़ा है। एट विच आई शो एंड सेल थिंग्स, जिस पे मैं चीज़ें दिखाता हूँ और बेचता हूँ। मिस्टर गंगाराम हैज़ हिज ऑफिस इन अ लिटिल रूम बिहाइंड द शॉप, और जो मिस्टर गंगाराम है उनका शॉप के बिहाइंड ही एक छोटा सा ऑफिस है। There are only two assistants, और सिर्फ दो असिस्टेंट्स हैं हम, मिस रूपा और एक मैं। The first thing I do in the morning, जो सबसे पहली चीज़ है मैं मॉर्निंग में करता हूँ, is to put some pieces of jewelry in the window. सबसे पहले मैं विंडो के पास ज्वेलरी रखता हूँ। दे आर ऑलवेज टेकन आउट एट नाइट, और फिर क्योंकि उसको हम रोज़ रात को हटा लेते हैं वहाँ से। ऑन दिस मॉर्निंग ऑफ द ग्रेट इवेंट, तो आज की सुबह ग्रेट इवेंट मैंने देखा। आई नोटिस्ड अ गर्ल लुकिंग एट अ शॉप विंडो, तो मैंने एक लड़की को देखा कि जो हमारी शॉप की विंडो पे देख रही थी। जस्ट अपोजिट इट वाज़ द शॉप ऑफ एन अंडरटेकर, तो उसी के अपोजिट में एक और शॉप थी। तो वो शॉप किसकी थी? अंडरटेकर की। अंडरटेकर मींस जो ऐसा पर्सन जो कि ऑर्गेनाइज करता है फ्यूनरल्स, मींस कोई जो डेड बॉडी को ले जाया जाता है, एंड एवरी पीपल कम देयर, दैट इज़ नोन एज फ्यूनरल। सो देयर वॉज नथिंग इन द विंडो, तो विंडो पे कुछ नहीं था एक्सेप्ट टू ऑफ दोज कंटेनर्स इन विच द एशेस ऑफ अ डेड पर्सन आर पुट। तो विंडो में कुछ भी नहीं था, जिसको हम बोलते हैं ना अस्थियाँ डेड पर्सन की, वो एक कंटेनर में रखी हुई थी। एंड सम फोटोग्राफ ऑफ ग्रेव स्टोन्स, और कुछ ग्रेव स्टोन्स के फोटोग्राफ। गर्ल हैड अ लॉन्ग कोट एंड नो हैट, तो उस लड़की ने लॉन्ग कोट पहना हुआ था और हैट नहीं पहनी हुई थी। शी वॉज़ वियरिंग शूज़, उसने शूज़ पहने हुए थे विथ लो हील्स, जिसमें ज़्यादा हील्स नहीं थी। शी माइट हैव बीन एन आर्टिस्ट बट नॉट वेरी गुड वन, वो शायद आर्टिस्ट थी पर इतनी अच्छी आर्टिस्ट नहीं थी। आई वॉच्ड द गर्ल फॉर सम टाइम, मैंने कुछ देर के लिए उस गर्ल को देखा। देन अ मैन केम इन टू द शॉप, फिर एक मैन आता है शॉप में। हिज क्लोथ्स वर डल एंड सोबर एक्सेप्ट फॉर अ वेरी ब्राइट नेक टाई, तो उसके जो कपड़े थे वो बिल्कुल सिंपल सोबर थे, बस एक जो टाई थी वो बहुत ज़्यादा ब्राइट थी। ही वॉज़ अबाउट 35 years old, ही वॉज़ कॉन्स्टेंटली चूइंग गम, तो वो कम से कम 35 years old तो था वो मैन, और वो चूइंग वो जो चूइंग गम रहता है वो खा रहा था। ही आस्क्ड टू सी सम रिंग्स, और उसने कहा कि मुझे कुछ रिंग्स देखना है, अंगूठियाँ देखना। आई ब्रॉट आउट अ ट्रे ऑफ रिंग्स, मैं पूरी ट्रे लेकर आता हूँ रिंग्स की। ही पिक्ड अप 2 or 3, वो 2-3 रिंग उठा के देखता है। एंड आज द प्राइस, और उनका प्राइस पूछता है। आई नोटिस्ड ही वॉज लेफ्ट हैंडेड, और मैंने देखा कि वो लेफ्ट हैंडेड पर्सन है, वो लेफ्ट हाथ से ही सब कुछ देख रहा है।
देयर वॉज वन वेरी ब्यूटिफुल रिंग, एक बहुत ही सुंदर रिंग थी विद डायमंड्स एंड लार्ज डीप रेड रूबीज सेट इन द शेप ऑफ अ फ्लावर, जिसमें डायमंड्स थे और एक रेड रूबीज का सेट का जिसका शेप था फ्लावर की तरह. द मैन सीम टू थिंक द प्राइस वॉज टू हाई, तो उस मैन को लगा कि इसका प्राइस तो बहुत ज़्यादा होगा. देयर वर थ्री ट्रेज ऑफ रिंग्स ऑन द काउंटर, तीन रिंग की ट्रेज थी काउंटर पे, एंड ही स्टिल कुड नॉट डिसाइड व्हाट ही वांटेड, और वो अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि उसको क्या चाहिए. देन ही सॉ द फोर्थ ट्रे, फिर उसने फोर्थ ट्रे की तरफ देखा. इट वॉज इन द सेफ इन विच ऑल द थिंग्स आर लॉक्ड अप एट नाइट, और वो बिल्कुल एक सेफ जगह पे थी जहाँ पे हम लोग चीज़ों को लॉक करते हैं. आई टर्न टू गेट इट आउट, तो मैं उस ट्रे को निकालने के लिए जाता हूँ, बट बिफोर आई पुट इट ऑन द काउंटर आई सॉ दैट द डायमंड एंड रूबी फ्लावर रिंग हैड गॉन. तो जैसे ही मैं उसको वापस उठा के आता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि जो डायमंड रिंग है और रूबी फ्लावर वाली रिंग है वो गायब हो चुकी है. आई पुट डाउन द ट्रे, तो मैं ट्रे को रख देता हूँ और पूछता हूँ मिस रूपा से टू कम, उनको आने के लिए मैं कहता हूँ. शी केम एंड स्टूड बिसाइड मी, तो जो रूपा है वो मेरे पास आकर खड़ी हो जाती है. आई सेड, तो मैं कहता हूँ यू हैव डिसाइडेड ऑन द फ्लावर रिंग हैव यू सो, तो मैं उस आदमी से कहता हूँ कि तुमने फ्लावर रिंग डिसाइड करी थी ना सर, इफ़ यू विल गिव इट टू मी आई विल फाइंड अ बॉक्स फॉर इट, अगर आप मुझे वो दे देंगे तो मैं उसके लिए बॉक्स लेकर आऊँगा. द मैन सेड, तो मैन कहता है आई हैवंट डिसाइडेड ऑन एनी थिंग, मैंने तो अभी कुछ डिसाइड ही नहीं किया है. मिस रूपा वेंट टू फैच मिस्टर गंगाराम, फिर मिस्टर रूपा जाकर मिस्टर गंगाराम को बुला कर लाती हैं. आई केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द काउंटर एंड स्टार्ट टू लुक एवरीवेयर फॉर द रिंग, तो मैं काउंटर से बाहर आके रिंग को ढूंढने की कोशिश करता हूँ, हर जगह मैं उसे देखता हूँ. सो डिड द मैन, और मैन भी यही करते थे. एंड मिस रूपा सेड, फिर मिस रूपा आकर कहती है आई थिंक यू शुड लुक इन द टर्न अप्स, तो मिस रूपा आकर कहती है कि तुम्हें उन कॉर्नर्स पे देखना चाहिए. ही लुक्ड एट हर वेरी हार्ड. आई नोटिस दैट हिज फेस हैड गॉन वेरी रेड एंड ही हैड स्टॉप्ड च्यूइंग, तो मैं उसके ऊपर बहुत ही घूर के देखता हूँ और मैं देखता हूँ कि उसका जो चेहरा है उस मैन का वो बिल्कुल रेड हो रहा है और वो च्युइंगम चबा रहा था, तो अब वो च्युइंगम भी चबाना रुक चुका है. बट ही बेंट डाउन एंड फेल राउंड हिज टर्निप्स एंड फाउंड नथिंग, पर वो फिर भी देखता है पर उसे कुछ भी नहीं मिलता. देन ही लाफ्ड आई सपोज यू थिंक आई हैव स्टोलन इट, तो वो मैन कहता है कि तुम मुझे ऐसे देख रहे हो और मुझे ऐसे चेक कर रहे हो जैसे तुम लोगों को लगता है मैंने चोरी की है. मिस्टर गंगाराम सेड, तो मिस्टर गंगाराम कहता है ओ नो सर ऑफ कोर्स नॉट, नहीं नहीं सर बिल्कुल नहीं. आई हैव टू मेक आउट अ रिपोर्ट फॉर द इंश्योरेंस कंपनी एंड सो आई मस्ट मेक श्योर दैट द रिंग हैज़ नॉट गॉट इन टू एनी पार्ट ऑफ योर क्लोथिंग, तो हमें लगा कि कहीं आपके किसी भी कपड़ों में मुझे इस चीज़ की रिपोर्ट करनी पड़ेगी ना, तो आपके किसी क्लोथ में नहीं फंस गई हो इसीलिए हम आपके क्लोथ चेक कर रहे थे. द मैन कोऑपरेटेड फुली, तो वो मैन कहता है ठीक है मुझे चेक कर लो. ही वेंट इन टू मिस्टर गंगाराम्स रूम एंड टुक ऑफ ऑल हिज क्लोथ्स, वो अपने गंगाराम के रूम में जाकर अपने पूरे कपड़े उतार कर एंड इवन हिज शूज भी उतार कर, बट द रिंग वॉज नॉट देयर नॉट एनी वेयर, वो सब कुछ उतार के बता देता है लेकिन रिंग फिर भी नहीं मिलती है. वाइल दिस वॉज गोइंग ऑन, जब तक ये सब चल रहा था, मिस रूपा एंड आई वेंट ऑन लुकिंग फॉर द रिंग, मैं और मिस रूपा रिंग को ढूंढते ही रहे. वाइल वी वर सर्चिंग, जैसे हम ढूंढ रहे थे, समवन एल्स केम इन, और फिर कोई और आ गया. इट वॉज द गर्ल हुम आई हैड सीन अर्लियर ऑन, तो वो एक गर्ल थी जिसको मैंने पहले देखा था. लुकिंग इन टू अंडरटेकर्स विंडो, इट सीम टू बी रेदर स्ट्रेंज चांस, वो वही लड़की थी जिसकी हम विंडो में देख रही थी, बात कर रहे थे. व्हेन आई सॉ हर क्लोजली, जब मैंने उसे बहुत पास से देखा, आई नोटिस सेवरल थिंग्स, मैंने उसमें बहुत सारी चीज़ें नोटिस करी. शी वॉज अ जेंटल वूमेन, वो एक जेंटल वूमेन थी बट पुअर. आई थॉट शी हैज़ नॉट कम टू बाय एनी थिंग बट परहैप्स टू सेल, कि वो कुछ खरीदने नहीं बल्कि कुछ बेचने आई थी. विथ हर लेफ्ट हैंड शी टुक आउट अ लिटिल पेपर पैकेट फ्रॉम हर बैग, तो उसने अपने लेफ्ट हैंड से एक पेपर का पैकेट निकाला अपने बैग से एंड पुट इट ऑन द काउंटर, और उसे काउंटर पे रख दिया. आई ओपन द पैकेट, मैंने पैकेट को खोला एंड देयर वाज अ पीस ऑफ ज्वेलरी ऑफ वेरी लिटिल वैल्यू इन इट, तो उसमें वैल्यू बहुत ही छोटे पीस थे ज्वेलरी के जिनकी बहुत ही कम वैल्यू थी. तो आज हमने हमारी हाफ स्टोरी पढ़ ली, अब इसके आगे क्या होता है और गर्ल क्या बोलती है ये हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में.